नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले आधार कार्ड अपडेट या फिर आधार कार्ड एनरोलमेंट के बारे में। दोस्तों आधार कार्ड अपडेट या फिर नया एनरोलमेंट करवाने के लिए कभी ना कभी जरूरत पड़ता होगा, चाहे आपका या फिर आपके अपने फैमिली मेंबर का। ऐसे में आपको ये जानना बेहद जरूरी है जहाँ पे भी रहते हो आधार कार्ड का ऑथराइज सेंटर कहाँ पे है। तो यदि आप जानना चाहते हो कि आपके आसपास में कहाँ पे ऑथराइज आधार कार्ड सेंटर है जहाँ पे आप जाकर के चाहे अपडेशन का काम करवा सकते हो या फिर नया एनरोलमेंट करवाने का काम कर सकते हो। इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा जहाँ पे भी रहते हो आधार कार्ड का ऑथराइज सेंटर कहाँ पे है, ताकि आप जो है सही जगह पे जाकर के आप अपना काम कर सको। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, लिंक के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आप देख पा रहे इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि आप यहाँ पे स्टेट वाइड सर्च कर सकते हो, अपना पिन कोड टाइप करके सर्च कर सकते हो या फिर सर्च बॉक्स का यहाँ पे स्पेशल ऑप्शन आपके सामने में खुल जाएगा, इसकी मदद से भी आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको तीनों स्टेप मिल रहा है, तीनों स्टेप में से जो भी स्टेप आपको ईजी लगे उसके ऊपर में क्लिक कर देना। तो सबसे आसान मुझे जो है पिन कोड से सर्च करने का ऑप्शन लग रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना पिन कोड टाइप कर देना, यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर में क्लिक कर देना, ये जो कैप्चा आपको यहाँ पे टाइप कर देना। जैसे आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा आपको लोकेटेड सेंटर के ऊपर में क्लिक कर देना है। पे क्लिक कीजिएगा, आपके दिए गए पिन कोड पे जितना भी आधार कार्ड का ऑथराइज सेंटर है अगर सर आपको दिख जाएगा। आप देख रहे हैं एक नंबर में, फिर उसका दो नंबर में, तीसरा नंबर भी यहाँ पे है, चौथा नंबर है, पाँचवा, छठा। तो दोस्तों इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि आपके नियर बाय में कहाँ पे आधार कार्ड का ऑथराइज सेंटर है। वहाँ पे जाकर के चाहे आपको आधार कार्ड नया बनाना हो या फिर आप किसी भी तरीके का अपडेट करना हो या फिर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट करना, वो सारा काम आप यहाँ पे जाकर के कर सकते हो। दोस्तों ये तो हो गया कि किस तरीके से आप अपने नियर बाय आधार कार्ड का ऑथराइज सेंटर सर्च कर सकते हो। और यदि आप चाहते हो कि आपका आधार कार्ड का जो भी सर्विस है वो आप घर बैठे अगर आप लेना चाहते हो, तो आगे जो प्रोसेस बताने वाले हो यदि आप उसको देख लेते हैं तो आप घर बैठे आधार कार्ड के सर्विस ले सकते हो। फिर यहाँ पे सर्च करना है इंडिया पोस्ट आधार सर्विस रिक्वेस्ट, उसके ऊपर में आपको क्लिक कर, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे जो फर्स्ट में जो आपको लिंक दिखाई देगा इस लिंक के ऊपर में आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस लिंक के ऊपर में क्लिक कीजिएगा नाम, एड्रेस, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर जैसे आप सेलेक्ट सर्विस के ऊपर में क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको ढेर सारा सर्विस मिल जाएगा। यदि आप इंडिया पोस्ट ऑफिस का सर्विस ले पाना चाहते हैं घर बैठे, तो भी आप काम करवाना चाहते हो उसके लिए आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। जैसे आपको आधार कार्ड का रिक्वेस्ट डालना है, आधार कार्ड में किसी भी तरीके का अपडेट वगैरह या फिर नया एनरोलमेंट करना है आप अपने बच्चे का, तो यहाँ पे आधार सर्विस वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सीधा आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा नीचे में आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई दे, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ, चाइल्ड 0 to 5 आधार एनरोलमेंट, मोबाइल ईमेल अपडेट। यदि आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल या ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं तो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी बच्चे का आधार कार्ड बनाना चाहते हैं जिसका उम्र 0 से 5 साल है, तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं आपको नीचे वाला सेलेक्ट करना है, सीधा आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर में क्लिक करना है, आपको आपके मोबाइल फोन में ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद आपका रिक्वेस्ट फाइनली सबमिट हो जाएगा। आपको वेट कर लेना है 1-2 दिन का। अगर आपके घर पे पोस्टमैन नहीं पहुंचता है तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल क्रोम में फिर से आपको इंडिया पोस्ट लिख करके सर्च कर लेना। जैसे आप इंडिया पोस्ट लिख करके सर्च कीजिएगा यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक दिखाई देगा इसी लिंक के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर में क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो 3 लाइन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा अबाउट अस के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद अबाउट द डिपार्टमेंट के ऊपर में आपको क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए पे आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा कॉन्टेक्ट अस, इसके ऊपर में क्लिक कर देना। फिर से ये पेज रिडायरेक्ट होगा, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दिख जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर भी दिया हुआ रहता है, इस पर भी आप बात कर सकते हो या फिर आप चाहो तो ऑनलाइन भी आप कंप्लेन कर सकते हो। कंप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली रजिस्टर्ड कंप्लेन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद फिर यहाँ पे आप अपने डिटेल सारा फिल करके और नीचे में आपको सबमिट कर देना है, आपका कंप्लेन यहाँ पे फाइनली सबमिट हो जाएगा। फिर उसके ऊपर में भी आपका अगर कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है तो आपको आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जा करके फिर वहाँ पर आपका ये काम करवाना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके लिए और भी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहो। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।